एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए, किस तरीके से देखते हैं पहली मीटिंग को? ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, सभी नेता एकजुट है। सभी कांग्रेस पार्टी की प्रोग्राम पॉलिसीज में, हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी की नीतियों में सभी विश्वास रखते हैं। इसके अलावा किस तरीके से देखते हैं सर, बहुत से प्रभारी आते हैं, विवेक बंसल से शुरू करें, उसके बाद शक्ति सिंह गोहिल भी आए और अब जो है वो दीपक बावरिया ने कार्यभार संभाला है, क्या लगता है संगठन का विस्तार हो पाएगा या अभी भी बहुत सारी अड़चनें जो हैं वो कांग्रेस के प्रभारी के समक्ष आएंगी? नहीं होगा, ये बात ठीक है, पहले से परेशानी थी, 9.5 साल से संगठन नहीं था और अब शक्ति सिंह गोहिल जी ने काफ़ी प्रयास किया और उसमें वो डिक्लेयर होने वाली थी सूची, अब नए प्रभारी नियुक्त किए हैं, वो भी अपने तरीके से सारी चीज़ों को देखेंगे, उनको भी मौका मिलेगा, उनको देख करके और लोगों से उनका परामर्श चल रहा है, 1-to-1 वो बात कर रहे हैं, तो जो सारा फीडबैक लेंगे और जो पहले जो गई हुई है जो उनको वो अवलोकन करेंगे, मिला करके फिर जल्दी फैसला होगा। अगर सर मीटिंग प्रोटोकॉल्स का जिक्र करें, डिसिप्लिन का जिक्र करें, तो उसकी कमी जो है वो कल की मीटिंग में भी दिखाई दी, लगातार नेताओं के जो समर्थक थे वो एक दूसरे अपने अपने नेताओं को अपना चेहरा दिखाने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, किस तरीके से देखते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उनके ऊपर लिए जाएंगे, जिस तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई का ऐलान जो है वो खुद दीपक बावरिया ने किया? नहीं, अनुशासनहीनता होगी तो लिया जाएगा ना, जब अनुशासनहीनता ही नहीं, कोई कार्यकर्ता अपने किसी जो नेता के साथ विश्वास रखता है उसका नारे लगाने से कोई अनुशासनहीनता तो नहीं हो जाती? क्या किसी भी वक्ता ने किसी भी आपस में नेता के खिलाफ कोई बयानबाजी की है? अनुशासनहीनता उसे कहते हैं कि जो कि बयानबाजी करने का, और ये पार्टी का मंच था, पार्टी में मतभेद भी थोड़े बहुत उभर के आ सकते हैं, वो तो ये तो था नहीं कि कोई पब्लिक मीटिंग में जलसे में बोल रहे हो, अंदर मीटिंग थी पार्टी की, पार्टी मीटिंग में अगर कोई कार्यकर्ता ने किसी के बारे में कहा है तो उसमें अनुशासनहीनता कहाँ से आ गई? तो आप नहीं मानते कि यदि कोई और नेता संबोधन कर रहा है तो उस संबोधन में के बीच में कोई समर्थक जो है वो किसी और नेता का नारेबाजी करता है, उसको आप अनुशासनहीनता नहीं मानते? किसी नेता के खिलाफ नारेबाजी करता है तो अलग है, अपने नेता को प्रोत्साहित करने के लिए, उसका उत्साहवर्धन के लिए अगर कोई नारेबाजी या ताली बजा देता है तो उससे अनुशासनहीनता नहीं होती। इसके अलावा सर किस तरीके से देखते हैं, क्या कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं जो आने वाले कांग्रेस के कार्यक्रम हैं, चाहे हम किरण चौधरी का जिक्र कर लें, कुमारी शैलजा का जिक्र कर लें, रणदीप सुरजेवाला का जिक्र कर लें या फिर खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जिक्र कर लें, क्या ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो एक साथ एक मंच पर कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में? सारे कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं सभी, और जहाँ जरूरत होगी एक मंच पर काम करेंगे, जहाँ जरूरत है, कोई जरूरी नहीं है कि हर मंच पर सभी लोग इकट्ठे हों, अपने अपने तरीके से सब पार्टी का काम कर रहे हैं, अपने अपने जो जिम्मेदारियां दी हैं उनको वो निभा रहे हैं, और जब जरूरत होगी एक मंच की, जैसे अब कल मीटिंग हुई तो सभी एक मंच पर थे, तो जहाँ जरूरत होगी एक मंच पर भी होंगे सभी, तो ये इसको क्यों मीडिया बार बार में जो है भ्रमित करने का प्रयास करते हैं लोगों को? एक आखिरी सवाल सर, मुख्यमंत्री को लेकर जो है तमाम जब भी वरिष्ठ नेता जो है उन्होंने मीटिंग के लिए एंट्री ली तो चारों के चारों नेताओं को लेकर जो है वो नारेबाजी की गई, भावी मुख्यमंत्री को लेकर, चाहे हम चारों बड़े नेताओं का जिक्र कर लें, बहुत सारे चेहरे हैं लेकिन मुहर को लेकर जो दीपक बावरिया ने बयान दिया कि इसका अंतिम फैसला जो है वो हाईकमान करेगी, इस पर बहुत सारे सवाल जो है वो उठते हैं, क्या जवाब देंगे? अपने अपने नेता को जो भावी मुख्यमंत्री के नारे लगा रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, जिन्होंने बड़े ही सादगी और सलीके के साथ हर सवाल का जो है वो जवाब दिया।